सो गाइस अभी हम कहाँ जा रहे हैं? गाइस ये देख सकते हो आप, सैंड ड्यून, वाइट सैंड है आगे बिल्कुल। चल चल। सो गाइस अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पैंगोंग। पैंगोंग। हाय गाइस, सो अभी हम पैंगोंग जा रहे हैं, रास्ते में हैं। एक बार दिखाता हूँ, ये ब्रिज पर रुके हम टी ब्रेक के लिए। ये देख सकते हो आप, व्यू चेक करो एक बार। सो गाइस ये वो ब्रिज है, देखो एक बार ब्रिज दिखाता हूँ आपको और व्यू चेक करो गाइस आप यहाँ से। ये व्यू चेक करो, देख सकते हो। तो गाइज़ आप आगे सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए, इस वीडियोस में थोड़े सिनेमैटिक्स वगैरह वीडियोस मैंने ज़्यादा डाली हैं। हाय गाइस, तो एक चीज़ दिखा दूंगा, यहाँ की सैंड देखो आप, ऐसे लग रहा है पानी के ऊपर चल रहे हैं। ये देखो आपको बाउंस देखना, ये देखो जैसे पानी के ऊपर हम चल रहे हैं। ये देखो, ओके। यहाँ पे हम सैंड देखने के लिए रुके थे, एक दो फोटोज़ वगैरह कराने के लिए। तो ये देख सकते हैं, सैंड में 15 मिनट का लगारी के बाद मैंने कुछ ही अपना नाम लिखा है। ये गाइस हम आगे पैंगोंग की तरफ बढ़ते हुए, इस रोड पर मैंने बहुत सारे वाटरफॉल्स देखे, कुछ मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं और डाले हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, वीडियो में ऐसे ही बने रहें। Thank you.
यहाँ से अब जो कॉटेजेस शुरू हो रहे हैं यही बेसिकली 10-12 कॉटेजेस हैं जो यहाँ पे पैंगोंग में हैं, जो मेन यहाँ पर पैंगोंग लेक के सामने है। सो गाइस देख सकते हो आप, हम पैंगोंग लेक में आ चुके हैं। और एक बार आप यहाँ पर व्यू चेक करो, क्या बादल है यहाँ पर गाइस। ये देख सकते हो आप हिमालयन रिवर पे, जो हिमालयन माउंटेन है। और यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही कम है गाइस, बिल्कुल ही कम है। 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे, अभी 5:30 हो रहे हैं और 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। आगे पैंगोंग लेक में चल के दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आप बाकी व्यू चेक करो, ये देख सकते हो ऐसे एक बार पहाड़। ऐसे लग रहा है बिल्कुल फिल्म का सीन है। एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पैंगोंग लेक के इधर, और बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो। बट आप एक बार व्यू चेक करो, इस व्यू के लिए आए थे हम मेन, और एक बार झील देखने के लिए। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं पैंगोंग लेक, यहाँ पे बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है गाइस। और मैं आपको दिखाता हूँ जिस वजह से ये झील जो है मशहूर हुई थी। वैसे इस झील को इतनी फेमस नहीं थी पहले, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर था, इधर कोई आता भी नहीं था। बट जब से 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, और मैं आपको 3 इडियट का ये स्कूटर दिखाता हूँ, ये देखिए। सो गाइस ये देखो व्यू, और ये देखो 3 इडियट्स वाला वो स्कूटर जिसकी वजह से ये झील फेमस हुई है। और वो देख सकते हो बम्स लगा रखे हैं लोगों ने, अब यहाँ पर लाइन से ही लगा दिए सब ने। बट पहले एक ही हुआ करता था जो शूटिंग के लोग होते, ये वाला देख सकते हो आप, ये वो स्कूटर है। और ये रहे वो बम्स जो फेमस हो जाते हैं 3 इडियट में। आइए आगे बढ़ते हैं झील की तरफ और देखते हैं। गाइस ये देखो झील आ चुकी है, ये देखो एक बार आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखो एकदम क्लियर वाटर है। और लोग कहते हैं जब जैसे सनसेट होता है और सनराइज होता है, ये अपना कलर बदलती है धीरे धीरे। अभी आप देख सकते हो विंड इतनी तेज चल रही है कि ये पानी में आप बता सकते हो कितनी तेज चल रही है, आपको दिख ही रहा होगा। हवा उधर की है तो पानी कैसे उधर जा रहा है। एक बार आप बादल देखो, ये देखो बादल।
और झील का पानी इतना क्लियर है, बट है ये सॉल्टी सॉल्टी वाटर है। ये देखो आज एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो गाइज, ये हमारा बैंकॉक का कॉटेज है, एक बार दिखाता हूँ आपको। ये वाला कॉटेज है, ये दिखता हूँ आप, ये हम एंट्री करते हैं ऐसे। यहाँ पे दो टेबल चेयर एक टेबल रखी है, सॉकेट देख सकते हो आप, बेड अच्छा है काफ़ी, बेड तो काफ़ी अच्छा दिया उन्होंने। ऐसे वन रूम कॉटेज है, और फिर आप ऐसे आप बाथरूम देख सकते हो, बाथरूम भी ठीक है काफ़ी, स्लीपर्स देख रखी हैं ये, टॉयलेट ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। लाइट भी, फ़ोन भी हमने चार्जिंग पे लगा लिया फटाफट, ताकि क्योंकि यहाँ लाइट चली जाती है। बाकी गाइस यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है गाइस।